हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ग्रीन ओलंपियाड से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो क्लास 6, 7, 8 तीनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने भेजे हैं। तो इससे पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूँ 50-50 क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चंस तीनों क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तीनों क्लास का एक ही टेस्ट आएगा, एक ही पेपर होगा। इसलिए उन्होंने कुछ एक टेक्स्ट बुक भेजी थी जिसमें 125 क्वेश्चंस दिए गए थे क्लास 6, 7, 8 के लिए। तो उन्हीं में ये थर्ड वीडियो है उस सीरीज का। 226 क्वेश्चन है, ए ग्रीन इकोनॉमी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो इसमें पूछा गया है, आपको बताना है विच इज ग्रीन इकोनॉमी इंक्लूड्स वाट। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए इकोनॉमी में, वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए और रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए ए ग्रीन इकोनॉमी में। अगर आपने मेरे पहले वाले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उन वीडियोज़ को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए, तभी आपके को समझ में आएगा। क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस को उधर एक्सप्लेन किए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कंटेंट बेसिक क्या है इसका, इस ओलंपियाड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर ऑब्जर्वर्स एंड रिसर्चर्स दे नोट फिजिकल कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एंड स्टडी मैप्स सैटेलाइट डाटा एंड रडार इंफॉर्मेशन। दे ऑल्सो कंपेयर वेरियस काइंड ऑफ वेदर डाटा फ्रॉम लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल सोर्सेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनको हम क्या बोलते हैं, मीटीरियोलॉजिस्ट, जो ये सब मेजर करते हैं, मीटीरियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मैप, व्हाट आर मैप दैट फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रेनफॉल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। तो ऐसे मैप को हम क्या बोलेंगे, थीमेटिक मैप, जिसमें रेनफॉल होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट दिखाया जाता है। एक होता है फिजिकल मैप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ दिस वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज यूज टू डिपिक्ट माउंटेन्स इन ए मैप। तो माउंटेन्स के लिए कौन से कलर यूज होते हैं, ब्राउन। हर चीज़ के लिए, रिवर्स, माउंटेन, पीक्स, डेजर्ट, सी, इन सब के लिए डिफरेंट कलर्स यूज होते हैं मैप में। तो आपको देख लेना चाहिए कि ब्लू किसके लिए होता है, ग्रीन किसके लिए और येलो किसके लिए होता है। यहाँ पर इस ओलंपियाड में जैसे 125 क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं आप यहाँ से ओनली 125 क्वेश्चंस ही सीखेंगे, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड ऐसे ऑप्शंस को भी सर्च करना है और उनका आपको नोट बनाना है, नोट्स बनाने हैं, पता चले, क्योंकि इसी क्वेश्चन से हम चार क्वेश्चन और जान सकते हैं। तो आपको ऐसा कुछ करना है तभी जाके आप इस ओलंपियाड में अच्छी रैंक अचीव कर पाएंगे। आपको क्वेश्चंस में से क्वेश्चन निकालने हैं, क्योंकि ये इन्होंने बेसिक क्वेश्चन दिए हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में से वो अपना पेपर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड बाय ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ। तो वो मेन कंपोनेंट है एटमॉस्फियर, जहाँ पर मेनली कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर स्किलिंग यूथ इन एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ एंड क्लाइमेट चेंज सेक्टर। तो वो हो जाएगा बी, सस्टेनेबिलिटी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू ग्रीन जॉब्स हेल्प इन। तो ग्रीन जॉब्स मतलब ग्रीन एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा ये सब। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, इम्प्रूव एनर्जी एंड रॉ मटेरियल एफिशिएंसी, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर इकोसिस्टम, सपोर्ट एडेप्शन टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तीनों सही है, तो तीनों ये ग्रीन जॉब के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश जॉब कैन प्रोड्यूस गुड्स और प्रोवाइड सर्विस दैट बेनिफिट द एनवायरनमेंट। बेनिफिट एनवायरनमेंट की बात हो गई तो वो टोटली क्या होगा, ग्रीन ही होगा।
जहाँ एनवायरनमेंट फ्रेंडली की बात हो, इको फ्रेंडली होगा, तो ये सब ग्रीन एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया टू बी ग्रांटेड द अवार्डिंग बॉडी स्टैट्यूट बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से ये कौन सा है उसके बारे में, इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही ध्यान से इनका आंसर देखना है, क्योंकि सेम एज इट इज आपको ये ओलंपियाड में देखने को मिलेंगे, स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डाटा बुक कंटेन स्टैच्यू ऑफ फॉरेस्ट कवर इन 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन द कंट्री। ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 हैज बीन गिवन एन असाइनमेंट ऑफ विजुअलाइजिंग डाटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर डाटा विजुअलाइजेशन। तो डाटा विजुअलाइजेशन के लिए क्या यूज होता है, बार ग्राफ भी, लाइन चार्ट भी और पाई चार्ट भी, तीनों यूज होते हैं डाटा विजुअलाइजेशन के लिए। 236, एन एक्सपर्ट इन जियोलॉजी स्टडीज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड इज ऑल्सो नोन एज जियोलॉजिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर फिजिकल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री। तो फिजिकल में क्या नहीं आता, तो वो आ जाएगा पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। क्लाइमेट होती है, फ्लोरा फाउना, ये सब क्या होते हैं, ये फिजिकल बैकग्राउंड के अंदर आते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर इसमें नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द ग्लासगो समिट COP26 इंडिया प्रपोज ए फाइव फोल्ड स्ट्रेटेजी टू बिकम नेट जीरो बाई 2070। इट इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पंचामृत। ग्लासगो में एक बैठक हुई थी, COP26 बोलते हैं, तो उसमें इंडिया ने बोला था कि 2070 तक हम कार्बन फ्री हो जाएंगे, मतलब कार्बन जिससे भी निकलता है, व्हीकल्स हो गया, बर्निंग ऑफ मैनी क्रॉप्स लाइक, मतलब जब भी धुआं होता है तो उसमें कार्बन होता है, उससे निपटने के लिए टाइम दिया गया था 2070 का, तो उसको पंचमृत बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इफेक्टिव एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली रिजल्ट्स सफाई कर्मचारी हैव टू बी ट्रेंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सफाई कर्मचारी को ट्रेन करना है, उनमें से बताया गया है कि क्या वो सही तरीके से हो सकते हैं, तो उनको मैकेनाइज्ड कंपोस्टिंग ऑफ वेस्ट एंड वाटर सीग्रीगेशन, इन सब का एजुकेशन देना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग पेपर मैथ्स एज स्कल्पचर मटेरियल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेड ऑफ वेस्ट पेपर। यस, ये इसका जितने वेस्ट पेपर हैं उनसे हम ये मूर्तियाँ बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट फॉर ए बिल्डिंग। तो आइडियल साइट कौन सी रहेगी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी ही नहीं होगा तो उधर बिल्डिंग क्यों बनाएंगे। फेवरेबल क्लाइमेट होगा, हवा अच्छे से लगती होगी, सुटेबल लैंड होगा, फर्टाइल सॉइल होगा, तो उधर तो बिल्डिंग बना सकते हैं, बट अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगी तो हम उधर बिल्डिंग नहीं बना सकते, फायदे वाली बात नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंक्लूड्स द इंडिकेटर दैट स्टेट्स बाई 2030 सब्सटेंशियली इंक्रीज द नंबर ऑफ यूथ एंड अडल्ट हु हैव रेलिवेंट स्किल्स इंक्लूडिंग टेक्निकल एंड वोकेशनल स्किल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट डिसेंट जॉब्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसका ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है, देखिए इधर। तो इसका करेक्ट आपको आंसर सीधा लर्न करने की ज़रूरत है, ये किससे रिलेटेड है, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो क्वेश्चन आप अच्छे से देखिए इस क्वेश्चन का, क्योंकि आपको सीधा डायरेक्ट ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कौन सा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, तो आंसर आ जाएगा
बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि जहाँ भी केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात होगी वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नहीं होगा, ग्रीन इकोनॉमी नहीं होगा, ग्रीन एनर्जी नहीं होगा, और बाकी सब वर्मी कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर और क्रॉप रोटेशन, ये सब क्या होंगे? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा, ग्रीन फार्मिंग होगा, बट केमिकल फर्टिलाइजर का जहाँ यूज आ जाएगा वो सब ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स क्रिएट जॉब्स रिलेटेड टू एक्टिविटीज सच एज डिजाइन ऑफ एडवेंचर एक्सपीरियंसेस, द क्रिएशन ऑफ हाई माउंटेन ट्रेल्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, एज वेल एज द रिन्यूअल ऑफ रूरल एरिया सच एज इको विलेजेस। तो ये क्वेश्चन आपको याद करने की ज़रूरत है, इको टूरिज्म में ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 244, 90th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, हाइड्रोजन एंड अमोनिया आर एनविसेज टू बी फ्यूचर फ्यूल्स टू रिप्लेस फॉसिल फ्यूल्स, प्रोडक्शन ऑफ दिस फ्यूल्स बाई यूजिंग पावर फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी आर टर्म्ड एज, दीज आर कैटेगराइज एज ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया पॉलिसी इज नोटिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मिनिस्ट्री, किसने ये सिद्धांत रूल प्रिंसिपल दिया था ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर, पावर ने दिया था, पावर मतलब यहाँ संबंध है ऊर्जा से, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया पॉलिसी को नोटिफाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन पॉलिसी अमोनिया पॉलिसी अनाउंस्ड वेन? तो ये क्वेश्चन बन जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा ओलंपियाड में, फरवरी 2022, फरवरी 2022 में ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया पॉलिसी लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर रिक्वायरमेंट फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबल एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द नेशन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेन्यूएबल एनर्जी, इज इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। टू हंड्रेड फोर्टी एट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन आइडेंटिफाइड एज लिंक्ड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो ये हो जाएगा ऑल ऑप्शंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन प्लास्टिक्स वर बैन्ड बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मैंगलोर कर्नाटक इंडिया, हु अमंग्स द फॉलोइंग मेड इको फ्रेंडली बैग दैट कैन डिजोल्व नेचुरली एंड इज मेड आउट ऑफ इंग्रेडिएंट्स सच एज टपियोका फाइबर एंड वेजिटेबल वेस्ट, दिस इज कॉल्ड अस्वस्थ हैज हेगड़े, अस्वस्थ हेगड़े। हु, एक पर्सन का पूछा गया था, स्वस्थ हेगड़े ये आदमी का नाम है जिसने प्लास्टिक्स को बैन करवाया था मंगलुरु कर्नाटका में, और इको फ्रेंडली बैग प्रोवाइड करवाए थे जो टेपोएका फाइबर और वेजिटेबल वेस्ट से बनाए गए थे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको लर्न कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है अपनी इस सीरीज का, 150th क्वेश्चन है क्लास 6, 7, 8 के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म डिफाइंड बाय द ग्रीन स्किल एग्रीमेंट फॉर ग्रीन स्किल्स? तो जहाँ ज़्यादा ग्रीन की बात हो रही है उधर आंसर भी ग्रीन ही मिलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्किल्स फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का बहुत जिक्र हुआ है इस सीरीज में, और ग्रीन इकोनॉमी का बहुत जिक्र हुआ है, ग्रीन फार्मिंग का बहुत जिक्र हुआ है, ये सब टर्म आपको देखनी चाहिए, लर्न करनी चाहिए, इनके बारे में सीखना चाहिए। अगर आप इस ओलंपियाड में अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, कुछ प्राइज़ जीतना चाहते हैं, तो आप देखिए तीनों वीडियोज़ को देखिए उनके अच्छे से, और अच्छे से नोट्स बनाइए, एक क्वेश्चन का तीन, कम से कम आपको दो क्वेश्चन बनाना है और उसको लर्न करना है, समझिए, गूगल से सर्च कीजिए कैसे कैसे इनका आंसर क्या क्या होगा। आई होप आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा,
और अगर आप एक क्वेश्चन से ही रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और सर्च करते हैं तो सबसे बेनिफिशियल बात आपके लिए वही रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।